मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान की मौत से उसके गृह क्षेत्र में शोक की लहर है। अपने बेटे को खोने के बाद माता पिता को गहरा सदमा लगा है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जवान की मौत की जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात जवान प्रमोद रावत की सर्विस गन साफ करते समय चली गोली से मौत हो गई। प्रमोद अगरोड़ा गांव के रहने वाले थे। प्रमोद के गांव के हेमंत बिस्ट ने बताया कि प्रमोद के घर में उनके माता और पिता रहते हैं। उनके पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं। हेमंत बिस्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन क्यों जल्दबाजी में इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दे रहा है। उनका कहना है कि मृत्यु की जाँच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जानी चाहिए, जिससे इस घटना का खुलासा हो सके कि किस तरह हुआ। मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी मतलब उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या मतलब एक्सीडेंट राइफल साफ करते हुए, तो ये घटना हो गई। ये दुख की बहुत बड़ी दुख की बात है, इसलिए आज हमारा जो है व्यापार पूरा व्यापार मंडल से बंद कर रखा है मार्केट को। बिना जाँच के कैसे आत्महत्या डिक्लेयर कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि हत्या हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए और रिटायर्ड जज से या उच्च उससे इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी निकलेगा, अगर जांच नहीं होगी तो हम भी इस संबंध में अपने जिलाधिकारी के यहाँ धरने पे बैठेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।